नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल राइट। कृषि सेवा संघ ने 21 सूत्री मांगों को लेकर जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बरेली से अमरजीत की रिपोर्ट। संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी माध्यम से दिया जा रहा है। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर अधीनस्थ कृषि सेवा संघ आंदोलनरत है। बरेली में जनपद अध्यक्ष श्री मुरारीलाल गंगवार के नेतृत्व में और राज्य कर्मचारी संघ परिषद के अध्यक्ष आदरणीय सुनील जैन साहब के नेतृत्व में ये आज धरना और रैली का कार्यक्रम हुआ है। हमारा 13, 14, 15 सितंबर को पूरे प्रदेश में काला फीता 3 दिवसीय बांध के तौर पर प्रदर्शन था। इन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश की सबसे लोकप्रिय जो कार्यक्रम था किसान पाठशाला में भी हमने काला फीता बांध कर अपना प्रदर्शन विरोध दर्ज कराया था। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो उत्तर प्रदेश में पूरे देश में नंबर 1 पर है, इन्हीं प्रावधिक कर्मचारियों टेक्निकल कर्मचारियों की बदौलत है और हम किसानों के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तन मन और अपनी जेब से भी पैसा लगा रहे हैं प्रावधिक, उनकी अपनी जेब का भी खर्चा हो रहा है, सरकार नहीं दे रही है, लेकिन हर कार्यक्रम को सफल बना है। आज क्या आश्वासन मिला आपको? आज हमारा आश्वासन नहीं, आज तो हमारा ज्ञापन प्रेषण किया गया है। आज जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि सेक्टर मजिस्ट्रेट महोदय ने ये कहा है कि आपका ज्ञापन हम पूरी संस्कृति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को।